तो देवी और सज्जनों आज हम बात करने वाले हैं ऐसी गाड़ी जो सौ साल से बिक्री और सबसे ओजी गाड़ी रॉयल इनफील्ड बुलेट थ्री के बारे में सो की पहुंचे जी हाँ भाई मेरा नाम है अभिनव कौर और ये हाँ तो श्रीवास और आज हम दोनों बात करने दी ओ जी बाइक ऑफ इंडिया जो सौ साल से भी अपनी लेगेसी मेंटेन करके रखी हुई है और अब नए अवतार में हमारे सामने आ चुकी है दी रॉयल इनफील्ड बुलेट थ्री फिफ्टी ठीक है पूरा का पूरा नया इंजन पूरा का पूरा नए श्या सब चीज नए इंजन के साथ नया थ्री फोर्टी का एयर कूल्ड इंजन प्रोड्यूस करता है ट्वेंटी सेवन एन एम का टॉर्क थ्री फोर्टी नाइन सीसीज है ठीक है जे सीरीज पैटफॉर्म के ऊपर गाड़ी जो है बेस आती है गाड़ी का लुक जो है वो समवेयर समवेयर अब जो है वो नई वही क्लासिक से बहुत ज्यादा मिलता जुलता हो चुका है और मतलब आप ये 85 90 जो है वो क्लासिक जैसी ही लगती है गाड़ी देखने में इस वाले कलर में गाड़ी डेफिनेटली अलग लगती है क्यों क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट इसमें दिया गया है जो आपका बुलेट क्या कहते हैं जिसमें रॉयल एनफील्ड यहाँ पे हाँ हा, जो एम्बलेम है प्रॉपर जो रॉयल एनफील्ड यहाँ पे लिखा हुआ है उसके ऊपर आपका जो है क्राउन यहाँ पे लगा रखे लोगों ने वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है प्लस इस वाले कलर में आपको वही सेम जो आपको हैंड स्ट्राइप्स होती है वो आपको प्रॉपर देखने को मिलते हैं जो की जो कि इस ट्राइप को पूरा का पूरा अपने हाथ से इसके ऊपर पेंट किया जाता है जो कि बहुत अच्छी बात है यह बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन वाला वेरिएंट है टॉप ऑफ द लाइन भी क्या है मतलब ये मिड वाला वेरिएंट है इसके ऊपर सिर्फ एक वेरिएंट आता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इस सेम कलर को आपका जो है वो आ, मैट कर दिया जाता है मैट ब्लैक आता है उसके ऊपर भी ऐसी आपकी सेम ट्राइप देखने को मिलती है यह वाला जो आप ये वेरियंट आप देख रहे हैं ये मिड वाला वेरियंट है इसमें आपको डुअल चैनलेबियस देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है बुलेट में पहली बार डुअल चैनलेबियस है और इसकी डायर नीट थी ठीक है जिस प्राइस पॉइंट पे गाड़ी आ रही है दो तीस दो चालीस के आसपास उस उसमें के के 19 स्टील व्हील अभी तक इसमें आते हैं कोई भी का इसमें नहीं दिया गया आपको 100 का सेक्शन है सेम वही टायर है जो आपको क्लासिक में देखने को मिलता है पीछे की तरफ अगर हम लोग आ जाए तो पीछे की तरफ आपको मिलता है हंड्रेड सेक्शन का टायर ठीक है सी की तरफ से दोन टायर आते हैं 120 80 18 पीछे का टायर आपको इंचेस का देखने को मिलता है एटी की इसकी प्रोफाइल है आगे वाला 90 की प्रोफाइल के साथ आता था 120 का सेम टायर जो आपको क्लासिक में देखने को मिलता है पीछे का जो सिलिमर है थोड़ा सा चेंज किया गया एज कम्पेयर ट्लास प्लास्टिक वाला जो पार्ट है थोड़ा और ज़्यादा नीचे तक आ, लटकता है वह थोड़ा सा नीचे तक एक्सटेंड होता है इसमें जो है काफी ऊपर ये कट जाता है प्लस जबकि

ऐसी कुछ इसकी लाइट देखने को मिलती है हैलोजी नहीं लाइट देखने को मिलेगी क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे रॉयल एनफील्ड जो है फिलहाल आपको जो है वो क्या कहते हैं एलईडी लाइट नहीं दे रहा है एलईडी लाइट सिर्फ अपने में अभी देते हैं जो कि अगर एलईडी दी जाती तो काफी ज्यादा अच्छी बात है रहने वाली थी प्रॉपर आपको पूरा का पूरा मेटल देखने को मिलता है गाड़ी पर कर देता हूं बंद प्रॉपर आपको मेटल देखने को मिलता है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है गाड़ी पूरी की पूरी जो आपको मेटल में ही देखने को मिलती है जो कि बहुत अच्छी बात है और क्लासिक भी आपको मेटल में ही देखने को मिल जाती है ठीक है

मतलब बिल्कुल नीड वाली चीज़ नहीं है बट अगेन होता तो अच्छी बात है वन सिक्सटी की टॉप स्पीड दे स्पीडोमीटर में दे रखी है और किलोमीटर्स पर में सारी मार्किंग है नीचे की तरफ बात करूं तो यहाँ पे आपको ट्रिप एफ और सेम चेंज करने का बटन आपको यहाँ पे दे रखा है सो तो ये जो आई बटन है आप इसी से चेंज कर सकते हैं और इससे आप सब ये जो ये वाला आई बटन है अब इससे चेंज करके हमें मिलता है ट्रिप वन ट्रिप टू ट्रिप एफ टा टाइम बस और सॉरी ओडो भी मिलता है इसमें हमें ट्रिप वन ट्रिप टू ट्रिप थ्री ट्रिप एफ ओडो बस खत्म ठीक है बात करी जाए चाबी की तो इसकी चाबी कुछ ऐसी है और पेन का निशान पड़ रखे पढ़ाई करके आया हूँ सुपर और में अलग है, है। हाँ। आपको एक चीज मुझे और चीज लगी पता नहीं क्यों इससे इस वाली गाड़ी में या फिर कहीं पे अभी जब शूट भी कर रहे थे इसकी चाबी फंसती क्यों है बीच बीच में फंस जाती है इसकी चाबी सो थोड़ा सा पंगा है पीछे की तरफ आ जाए तो वही आपको इग्निशन में किल स्विच इंटीग्रेटेड मिलता है और अभी गाड़ी बंद है इग्निशन में स्विच इंटीग्रेटेड देखने को मिलता है नीचे आपको हजार लाइट का बटन देखने को मिलता है स्विच देखने को मिलता है इधर इंडिकेटर्स का स्विच हॉन की तरफ बात कर ले तो हॉर्न

वो चीज की लाउडनेस रॉयल एनफील्ड हर जगह है वो आवाज ऐसी कर रही है आवाज अगर बात कर ले इसकी आवाज अच्छी है अगेन बंद करूं एक मिनट आवाज की पहले पहले बात कर लूं तो आवाज वो ओजी रिटेन नहीं है बट अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा एक डिसेंट आवाज है समवर्ड uh, बोलूंगा क्लासिक की तरफ जा चुके हैं लेकिन अगेन क्लासिक जैसी आवाज़ नहीं है ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाओगे जब ये भाग रही होगी अभी जब अभी तक ऊपर बोल रहा था मैं वही जो अमिताभ बच्चन और रेखा वाली फील है वो चीज़ गाड़ी में आवाज़ सुन लेते हैं अभी भी एक बात बताऊं तो वाइब्रेशंस रिटेन्ड है।, तो है क्या या हेलमेट पे हेलमेट पे ठीक है तो वाइब्रेशंस अभी भी होती हैं क्या एग्जैक्टली वाइब्रेशन कितनी आती है भगाने में कैसी है चलाने में कैसी है वो सब कुछ के बारे में बात करेंगे हम एक डिटेल रिव्यू में अलग से ठीक है ये एक वॉक अराउंड था अब एक बार बात कर लूं इसको बैठ के पोश्चर के बारे में जो हेलमेट पर अगर मैं पोश्चर के बारे में बात करूं आगे गाड़ी फील्स लाइक वन नाइनटी के करीब की गाड़ी ठीक है सुपर लाइट ठीक है लाइट सुपर लाइट भी ऐसा नहीं बोलूंगा अगेन अगर आप किसी बहुत हाई एंड बाइक्स क्लासिक से भी कंपेयर कर रहे हो तो बहुत लाइट लगेगी ऐसा लगेगा कि काफ़ी आसानी में उनूर करने में पैर की बात करूं फुल फ्लैट टोज आ रहे हैं बिल्कुल मैं फ़ाइव एट हूँ ना फाइव है ठीक है पैर की बात करूँ पूरा फ्लैट है पैर कोई दिक्कत नहीं है मुझसे शॉटर राइडर्स भी आराम से चला लेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी पोजिशन की बात कर लूँ अब आ, रखना पड़ेगा थोड़ा सा ऐसा अब बात करूँ पोजीशन की तो बिल्कुल अपराइट पोजीशन है मैं बिल्कुल बैक स्ट्रेट करके चला रहा गाड़ी को गाड़ी ऐसी है कि एकदम स्ट्रेट बैक के साथ हमें एक सिंपल सीधा देख रहे होंगे और आपकी हमेशा कमर सीधी रहेगी इन शॉर्ट आई थिंक ये चीज भी रिटेन है और जो कि बहुत अच्छी बात है अब ना एक बार बता देगा कि उसका फील कैसा है इस चीज में मैं मैं इसीलिए लड़खड़ाया था पीछे मतलब मैं तो पीछे थोड़ा लड़खड़ा आ गया था जब मैं शूट कर रहा था फोन इसीलिए मूव हुआ था थोड़ा सा कैमरा इसलिए मूव हुआ था क्योंकि मैं फोकस करने चक्कर में लड़खड़ा गया था थोड़ा सा ठीक है मैं मैं सीख रहा सीख, सही कह रहे हो ठीक है तो वही चीज है कि ऑब्वियसली अगर गो के पैट नॉर्मल टच हुआ तो मेरे भी नॉर्मल ही टच होंगे ऑब्वियसली बात है वो ठीक है आठ सौ का जो है वो आपको सीट हाइट इस गाड़ी में देखने को मिलती है जो बिल्कुल सेम है आपकी क्लासिक जैसी गाड़ी जो है वो ऑब्वियसली

प्रॉपर अपराइट है जैसी मतलब मैं ये कह सकता हूं क्लासिक से थोड़ी सी डिफरेंट है क्लासिक में थोड़ी था। हैंडल नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है इसमें हैंडल थोड़ा सा आपका बॉडी क्लोज है ठीक है थीके? तो वो एक बेटर चीज है कि आपको आ, क्या कहते हैं उसे जब आप सिटी के अंदर भी चला रहे हो गए ना हाईवे चला रहे हो तो आपको इतनी थकान सा कोई महसूस होगी नहीं इस गाड़ी में तो वो काफी अच्छी चीज है और मुझे पर्सनली अच्छी लगी मेरे को ऐसा लगता है कि एट अ प्राइस ऑफ टू लाख थर्टी थाउजेंड टू लाख फोर्टी थाउजेंड जस्टिफाइड है थोड़ा सा और अगर आपको एक ओ जी वाला थोड़ा सा वो चाहिए कि मेरे पे बुलेट चाहिए मुझे बुलेट ही चाहिए क्लासिक नहीं चाहिए तो आप इस बाइक के लिए डेफिनेटली जा सकते हो तो या फिर मैं बोलूंगा कि अगर आप हेरकॉन तक जा रहे हो क्लासिक के क्लासिक आपको हेरकॉन लेना तो उससे बेटर मैं बोलूंगा बोलूँगी आपके बुलेट की आ, ये वाला कलर ले लो ज्यादा आपको बेटर फील भी कराएगा और ज्यादा बेटर मेरे ख्याल से एक अच्छा एग्जैक्टली तो वो आप ध्यान रखना बाकी यही था इस वीडियो के बारे में सब चीज हमने आप चीज को बता आप लोगों को बता दिया है ऊबर एक सौ अच्छी एक और चीज क्या बात है अभी वो सिंगल सीट वाली चीज है इसमें स्प्लिट सीट uh, नहीं आती है सिंगल सीट इसमें और कंफर्टेबल सीट है काफी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट है काफी कंफर्टेबल सीट है ठीक है तो ये इस वीडियो के बारे में पसीना वगैरह बहुत ज्यादा भर चुके हैं पे थोड़ा साफ कर लेते हैं ठीक है, यही था इस वीडियो के बारे है वीडियो आपको पसंद कर दीजिए डाले आपके साथ जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए इस पर साइनिंग ऑफ